Home bias is a phenomena used for investors who invest the majority of their portfolio in domestic market securities. Have a look at this table. This shows the annual index returns of different countries for different years. Clearly, we can see that India is not the only country that has performed better across the globe. Returns in countries like the USA have also outperformed returns for India. What does this tell about you? Well, it's better to look beyond investing in domestic markets and include international investments as a component in your portfolio. Hi everyone, Zerodha और मिराय आसिफ के इस educational series में आपका स्वागत है। इस initiative में हमारी learning partner LearnApp है। आज हम एक और बहुत दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि international investing है और उसका क्या अहमियत होता है आपके portfolio में। भारत विश्व के सबसे तेज बढ़ती हुई economies में से एक है, but भारत का जीडीपी विश्व के जीडीपी का सिर्फ 3% ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि 2019 के जीडीपी नंबर्स के हिसाब से है। विश्व के स्टॉक मार्केट का भी भारत सिर्फ 3% ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ भारत का एक्सपोजर लेना सही होगा? नहीं। ये डेटा बताता है कि विश्व में ऐसे काफी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज होंगे जो कि भारतीय निवेशक के लिए ऐसे बिजनेसेस होंगे जहां पे हमारे देश में प्रेजेंस ही नहीं है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इंडियन इक्विटीज की कोरिलेशन भी विश्व के इक्विटीज के साथ काफी कम है, जिसका मतलब ये है कि हम ऐसे ग्लोबल आइडियाज में इन्वेस्ट करें जिनसे हमारी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी में आजकल के दिन में सिग्निफिकेंटली लेड है ट्रेडिशनल सेक्टर्स से, जैसे कि आईटी, कंसल्टिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पेट्रोलियम, कंज्यूमर स्टेपल्स वगैरह। पर हम जब वेस्टर्न इकोनॉमीज की तरफ देखते हैं तो उनका फ्यूचर काफी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक कंपनीज से शेप हो रहा है। विश्व भर में निवेशक काफी एडवांस थीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जिनको हम मेगा ट्रेंड्स बोलते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स इत्यादि। आजकल ऐसे थीम्स जो हैं आने वाले समय में हमारे भविष्य को आकार देगा, और इसीलिए आज ये इतने बस क्रिएट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा विश्व भर के इन निवेशकों के पोर्टफोलियो का पार्ट हो रहे हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट्स ज्यादातर ट्रेडिशनल थीम्स में इन्वेस्ट करने के रास्ते देते हैं। निवेशक को ये विश्व के नए थीम्स और मेगा ट्रेंड्स जो कि जो आगे जाके हमारे रहने और काम करने के तरीके को ही बदल सकता है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। जब भी कोई इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो करेंसी फ्लक्चुएशन से भी अफेक्ट होते हैं। जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, उनके फॉरेन एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब भी रुपी अप्रिशिएट करती है तो उनके फॉरेन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमें पता है, इंडियन रुपी ज्यादातर विश्व के डेवलप्ड करेंसीज के मुकाबले डेप्रिशिएट ही करती है। इसका क्या कारण है कि डेवलप्ड देशों के मुकाबले इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ज्यादा ही होता है। लास्टली हम ये बोल सकते हैं कि ETF जैसे पैसिव प्रोडक्ट्स एक बेहतरीन रास्ता होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में एक्सपोजर लेने के लिए, क्योंकि पैसिव प्रोडक्ट्स में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपके अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क निगेट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.